में जब भी समस्या आता है तो घिर के आता है और साथ में 100 समस्या लेके आता है। और उस समय सबको लगता है कि शायद और इससे मैं निकल नहीं पाऊंगा या निकल नहीं पाऊंगी और यहीं में सिमट के शायद यहीं मर जाऊंगी। ये जो नेगेटिव थॉट और नेगेटिव इंसिडेंट 100 में मात्र 5% भी नहीं होता है। सबको निकलना ही है। अष्टम स्थान कुंडली में कहा जाता है मृत्यु तुल्य पीड़ा का स्थान। और इस विश्व ब्रह्मांड में कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में मृत्यु तुल्य पीड़ा कभी नहीं आया होगा। जो भी धरती में जन्म हुआ, इवन राम हो चाहे कृष्ण भगवान हो चाहे कोई भी हो, चाहे वो सीता माई हो वनवास जाए फिर डिवोर्स होके वो वाल्मीकि के आश्रम या वशिष्ठ आश्रम में चला जाए, या फिर वो द्रौपदी हो, द्रौपदी जब गांधारी के पास जाती है 100 बच्चे का मृत्यु, तो गांधारी बोलती है तुम्हें मुझे दिलासा देने का कोई कारण अधिकार नहीं है क्योंकि तुमको पुत्र संतान मृत्यु का दर्द नहीं है। और उसके बाद द्रौपदी का भी 5 बच्चे को मार देता है अश्वत्थामा, फिर दोनों बैलेंस हो जाते हैं। कष्ट उसे भी मिला। तो धरती में जो भी जन्म हुआ, इसीलिए इसको कहा गया दुखालयम अशाश्वतम। ये धरती दुख का आलय है और अशाश्वत है, नो परमानेंट है, कल नहीं रहेगा। आज दुख मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा। आज दुख मिल रहा है, कल फिर सुख मिलेगा। लेकिन यहां धरती में रह के निरंतर सुख का आशा महामूर्ख लोग करते हैं। और इस विश्व ब्रह्मांड के अगर 5,000 साल का इतिहास में चले जाओ, चलो 4,000 काट दो, 1,000 साल का भी इतिहास में चले जाओ, चंगेज खान से लेके अंग्रेजों का जो अंग्रेजी धर्म का प्रचार के लिए 1,000 किलोमीटर जहां गए नरसंहार किए, चंगेज खान भारतवर्ष से चाइना तक पहुंचा, लोगों को काटा, बच्चों को काटा, औरतों को काटा, आग लगा दिया गांव का गांव, जिंदा जला दिया कपड़ा में लपेट लपेट के, हिंसा प्रतिहिंसा हत्या व्यभिचार लुंठन डकैती का ही 1,000 साल का इतिहास है। चाहे वो मुगल पीरियड बोल दो, फ्रांसिस पीरियड बोल दो, अंग्रेजों का पीरियड बोल दो, राहु केतु का इफेक्ट तो रहा है। भयंकर नरसंहार, एक एक दिन में 30,000 40,000 लोगों को कत्लेआम किया जाता था, बच्चे औरत नारी, जो नहीं माना नहीं सुना, क्योंकि उससे उनको स्वर्ग मिलेगा और फिर वहां हूर मिलेंगे, फिर अमृतपान मिलेगा। इस लालसा में काटते गए मारते गए। और विश्व का यही आज के कलयुग का सत्य है नरसंहार। आज चाहे यूक्रेन और रशिया का फाइट देख लो, नरसंहार। पहला विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध देख लो, नरसंहार, प्रचंड हत्या, पाप लुंठन, विधवाएं ही विधवाएं। ये कोई नया बात नहीं है, इसके लिए रोने का आवश्यकता नहीं। और इसीलिए ये जो अष्टम स्थान को कहा गया मृत्यु तुल्य पीड़ा, तो वहां से ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, व्यक्ति के जीवन में एक परिवर्तन आता है। देखो, अगर ये घटना आपके साथ नहीं हुआ होता तो आज इतना बड़ा योगा टीचर तो नहीं बनते। आज अपने जीवन पे अपना स्कूटी चला के 10 जगह में योगा सिखा के, कराटे क्लास चला के, योग सिखा के, आध्यात्मिक जीवन, ये किसका खेल है? तुम्हारा जो सुंदराकांड और आध्यात्मिक जीवन और जो पूजा पाठ, तो जीवन पे दुख आते हैं, पीड़ा आते हैं, फिर अच्छे टाइम भी आ जाते हैं। फिर अच्छा टाइम आया ना, कल फिर बुरा टाइम भी आ जाएगा। तो ये लगा है। और इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं समत्वम योग उच्यते, दुख आए तो भी समता में, सुख आए तो भी समता में। प्रज्ञावान लभते ज्ञानम तत्परेश यतेन्द्रियम। इसलिए प्रज्ञा में रहना और
इन सारे सुख दुख रूपक माया संसार को त्याग करके, त्यागों के कहाँ जाओगे और मंगल में क्या, नहीं ये रहेगा, लेकिन मानसिक लेवल पे इसके साथ संश्लिष्ट नहीं होके, समत्व प्रज्ञा बुद्धि युक्त होके आनंद और शांति में कैसे जीना, और वो आनंद और शांति को प्राप्ति करना। प्राप्त हुआ है बस अनुभव करना है। ईश्वर कहीं छोड़ के नहीं भागे, थे हैं रहेंगे, हम कटे हैं उसके साथ, जो अभक्त हैं विभक्त हो गए हैं, भक्ति में रहना, भक्त हो जाना, मिल जाना। और जो आंख के दुखाश्रु हैं उसे आनंदश्रु में, आनंद में भी रोना होता है, आनंद में भी रोना होता है, लेकिन उस दुखाश्रु को आनंदश्रु में परिवर्तन करना, इसी का नाम आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक साधना है। और यह संभव है योग से, साधना से, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, अष्टांग योग, पतंजलि योग, तंत्र विज्ञान, इसीलिए ये सारा रास्ताओं को इस विश्व में भारत, इसीलिए भारत विश्व गुरु है कि सब संसार को दिया। पर हम भारतीय होकर अगर इनका साधना नहीं करते और विदेश की ओर, पश्चिम संस्कृति की ओर देखते तो दुखी हैं, तो दुख आता है, सुख आता है, चला जाता है। हाँ, दुख का समय बहुत कम रहता है, लेकिन हमें बहुत लगता है, क्योंकि दुख का घड़ी जल्दी नहीं भी चलता, सुख का घड़ी जल्दी बीत जाता है। सुख में रहते हैं, पता नहीं चलता है कि सुख बीत गया। इसलिए सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथा योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशल। सुखे दुखे लाभा लाभो जया जयो हर लाभ इन ऑल कंडीशन योगाय युज्यस्व, इसमें योग को लगा के योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। और यही है जीवन जीने का कौशल, कला, टेक्निक, स्किल, आर्ट ऑफ लाइफ। इसलिए दुखी नहीं होना, दुख का आश्रु नहीं निकालना, आनंद आश्रु के लिए सोचो। इसलिए तनिक भी चिंतन नहीं होना, जो हो गया सपना था। जो ऐसे बहुत चले जाते हैं, ऐसे बहुत जीवन में बहुत प्रकार घटना घटते हैं, और फिर अगला एक लाइट आता है, दिया आता है, फिर एक नया रास्ता खुलता है। और आज हम सब यहाँ हैं, कोई पास बैठा है, ये सारे पेंडिंग कर्म का खेल है। परिपूर्ण जब तक नहीं होगा तब तक लपटे रहेंगे, परिपूर्ण हो गया फिर मुक्ति और मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो फिर यह हमारा कर्तव्य कर्म है कि हम जब तक हैं, जिस रिलेशन में हैं, जिस संपर्क में हैं, उसके साथ 100% न्याय करें, पूरा अच्छा से निभाएं उस रूल को। धरती एक ड्रामा का स्टेज है, 9 लाइट वहाँ लगे हैं, एक स्टेज है, और यात्रा स्टेज में 3-stair स्टेज है, ओपन स्टेज है। हर आदमी अपने अपने लेवल पे, कोई ओपन स्टेज में ड्रामा कर रहा है, कोई 3-level स्टेज में कर रहा है, कोई 1-side स्टेज में ड्रामा कर रहा है, लेकिन 9 कलर तो हैं, 9 प्रकार के रंग का लाइट जल रहा है, और 27 प्रकार के उप लाइट भी हैं, जिलिप जलाप करने वाला, और 108 छोटे छोटे बॉल भी लगे हुए हैं, किरण आते हैं, बीम आते हैं, और हमको सुख दुख हानि लाभ कष्ट पीड़ा, कभी विमर्श, कभी हास्य, कभी दुख, कभी क्रोध, कभी रौद्र, तो कभी अत्यंत रोमांटिक वाला, भिन्न भिन्न प्रकार के नवरस मुंचन, 9 प्रकार के रस का एक्टिंग करना पड़ता है। किसी का कम रस है, किसी का ज़्यादा रस है, किसके जीवन में रोमांटिक रस है, काम रस है, मोह रस है, सुख रस है, मौद्रस्य है, किसी के जीवन में क्रूर रस है, किसी के जीवन में धर्म का रस है, किसी में सौम्य रस है, तो ये डिपेंड अपन दैट 9 लाइट। हम तो बस किरदार हैं। किसी एक आदमी को यहाँ सेंटर में रखो, बेंगलोर शायद आप लोग नहीं गए, बेंगलोर म्यूजियम में है, उसमें एक आदमी को सामने रखा गया है, और डिफरेंट डिफरेंट साइड से लाइट डाला जाता है। जब सामने से लाइट डालेगा वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर, तो देखोगे कि उसका मुंह में हंसी दिखाई दे रहा है। उस लाइट को बंद करके अगर बाएं साइड नीचे से डालोगे तो विमर्श अपने आप उस लाइट, ड्रामा स्टेज में सिखाते हैं हम लोग, मैं जब डिप्लोमा इन ड्रामा कर रहा था, लाइट का चेंजेस होने से व्यक्ति का
मैनिफेस्टेशन, व्यक्ति का प्रेजेंटेशन, व्यक्ति का रूप चेंज हो जाता है, और उसी में फ्रंट लाइन ऊपर से लाइट गिरता है, ऐसा रेड लाइट क्रूर दिखाई देगा, वही चेहरा, एक ही चेहरा है, अलग अलग रूप में दिखाई देता है, भिन्न भिन्न डायरेक्शन से जब लाइट आता है, और उस लाइट के साथ जब साउंड घुसता है ना पीछे से, सोचो भिलियन चल के आ रहा है, रेड लाइट में या डार्क लाइट में है, भिलियन का साउंड है, डडन डडन, भिलियन का साउंड फिल्म में देख लेना, भिलियन मूव करेगा तो साउंड देगा। वहीं जब कोई दुखी है, विमर्श है, या फिर रौद्र है, या फिर किसी भी प्रकार के एक प्रेजेंटेशन दे रहा है ड्रामा स्टेज में, फिल्म स्टेज में, साउंड चेंज, दुख का साउंड आ गया, दुख का लाइट आ गया, रोमांटिक सीन आ गया, दोनों तरफ से लाइट आ रहे हैं, सुंदरता है, बैलेंस लाइट है, और म्यूजिक भी चेंज हो गया, तो सारे लाइट साउंड एंड म्यूजिक का खेल है। इसलिए ना दुखी होना है ना सुखी होना है। ग्रह आते हैं, महादशाएं आते हैं, अपना खेल खिलाते हैं, हम लोग खेलते हैं, फिर अगला दशा में फिर चले जाते हैं, फिर सुख दुख का संसार भोगते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। बट संतुष्टम सततम योगी यदात्मा दृढ़ निश्चय, कैसा रहता है संतुष्टम सततम योगी, योगी ही कैसा रहता है, बोला संतुष्टम सततम, कैसे बोला सततम, बारंबार 100% 100% संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, शांति में दृढ़ रहता है कौन, योगी। इसलिए हे अर्जुन, योगस्त कुरुकर्माणी, योगी बन के जियो, ना कि भोगी बन के जियो, ना कि उपभोगी बन के जियो, दृष्टा बन के, साक्षी बन के, आत्मा बन के अपने जीवन को निभाओ। सबको ड्रामा करना है, कल शादी होके जाओगे तो ससुराल में ड्रामा करना है, विधवा हो गई तो विधवा वैधव्य दोष का ड्रामा करना है, सिंदूर चूड़ी हटा के सफ़ेद पहन के आध्यात्मिक जीवन का नौटंकी करना है, और लड़की थी तो बाप के घर में माई के घर में नौटंकी करना है। नौटंकी है धरती, इसमें नौटंकी से सफल एक्टर बनना है। वे जो ड्रामा को सच समझ लेते हैं वो दुख में रो लेते हैं, सुख में हंस लेते हैं, लेकिन जो ये जानता है हर पल हर क्षण मैं तो ड्रामा ही कर रहा हूँ, मेरा कोई एक डायरेक्टर है, और ये जो ड्रामा स्टेज बिछाया गया 9 कलर 27 साउंड सिस्टम और 108 लाइट सिस्टम, इसमें कभी नाचना है, खेलना है, कूदना है, गाना है, क्रोध करना है, मजाक करना है, और फिर जब ड्रामा एंड हो जाएगा टाटा बाय बाय करके चले जाना है। और तुम जिस दुख में दुखड़ा में रो रहे हो ना, इस विश्व ब्रह्मांड में सबका है, अलग अलग रूप में है। किसी का संतानहीनता का दुख है, किसी का धनहीनता का दुख है, किसी का भूमि भवन वाहन नहीं है बोल के दुख है, किसी का भूमि भवन वाहन है लेकिन संतान नहीं है बोल के दुख है, कोई चोर चपेट एक्सीडेंट में व्यस्त है तो कोई हॉस्पिटल दौड़ रहा है, तो कोई कोर्ट कचहरी माली मकदमा में दौड़ रहा है, अपना अपना जो लिखा है, कोई महाध्वंस महाप्रलय महाबर्बाद में है तो कोई गुप्त शत्रु में पीड़ित है, तो अलग अलग है हर एक व्यक्ति का नौटंकी, अलग अलग प्रभु लिख दिया एग्रीमेंट में, पास करके बिल पास करके आए हो, इसमें समझ लेना कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ किसी का कुछ नहीं होने वाला है, धरती गोल था, जीरो में निकले, जीरो में ही लीन हो जाएंगे। जब तक शरीर है ड्यूटी निभाओ, ड्यूटी नहीं निभाओगे ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, अगला जन्म में शायद तुम यहाँ बैठे हो, हम वहाँ बैठे हैं। मैं अगर अपना ड्यूटी, मुझे जिस ड्यूटी के लिए तुम्हें सुनना है और तुम्हें समझाना है, वो मैं गुरु नहीं कहता, तुम लोग कहते हो, तो वो मेरा ड्यूटी अगर पूरा नहीं निभाया तो अगला जन्म में ना फिर गुरु को चेला बनना पड़ता है। ऋण बाकी था, ठीक है ना, तो इसलिए बैलेंस, बोला जो इनकम हुआ तेरा आधा मेरा आधा, ना मैं खा जाऊँ ना तू खा जाए, ना तुम्हें लगेगी ये खा गया, ना मुझे लगेगी ये खा गया, कंसेप्ट है, बैलेंस कर करके चलना। और हमेशा एक बात ध्यान देना है, वो क्या है, प्रायश्चित कर्म, कितना ज्यादा प्रायश्चित कर्म कर सकते हो। तो प्रायश्चित कर्मों में क्या क्या है, सबसे पहला माता पिता का सेवा, चलो माता पिता तुम्हारे भाग्य से नहीं है, ठीक है, दूसरा माता पिता के सेवा के बाद आता है गुरु का सेवा,
गुरु मिल, अच्छा गुरु है तो ठीक है, नहीं है बना लो, नहीं है चलो कोई बात नहीं, गुरु सेवा के साथ बराबर हो जाता है गौ माता का सेवा। गौ और गच, वृक्ष, वृक्ष में कौन कौन, बरगज, पिपल गज, केला गज, समी गज, इस प्रकार के जो सतम वृक्ष हैं, सौ वृक्ष हैं, उनका सेवा करना, बैन लगाना। और जो काट दे ऐसे वृक्षों को, जो काटा बिल्लू बेल फल काटा, अस्त्र चला दिया, तो उसका समझ लेना वो बेल पे नहीं काटा, जड़ी पिपल पे नहीं काटा, अपने गर्दन काट दिया, अपना पैर काट लिया। तो गौ का सेवा निस्वार्थ प्रभाव से, गौ ब्राह्मण गच वृक्ष, इनका सेवा करना। और इन सब के उपरांत क्या करना, देव पूजनम, देवताओं का पूजा करना। पत्थर मूर्ति का पूजा करो मैं नहीं कह रहा, जो देवतुल्य हैं उनका पूजन करना, गंगा जी का स्नान करना, जप तप पूजन पाठन मार्जन कीर्तन नित्यध्यासन, ये सारे कर्म एज ए प्रायश्चित कर्म। और इन सबके समक्ष क्या, दानम ब्राह्मण भोजनम, तुंडे मुंडे कुंडे, तुंड माने किसी का मुंह में खिलाना, मुंडे माने शिव के सर पे देना, और कुंडे माने यज्ञ कर लेना, इससे सारे फल रूपा, ये जितने भी प्रायश्चित कर्म किए ये तुंडे मुंडे कुंडे से परिपूर्ण होता है। फिर तीर्थाटन करना, तीर्थस्थान में तीर्थ सेवन करना, गंगा जी का स्नान इत्यादि। ऋषि कुटीर सत्संग के पास, सत्संगी निस्वार्थ सत्संगी, उनका कोई मतलब नहीं, वो तुम्हारे पास आएंगे नहीं प्रवचन ठोकने के लिए, बाबा बन के सेंटर खोलने के लिए, आश्रम खोलने के लिए, दीक्षा देने के लिए, ऐसे संतों के पास सत्संग कर। और ये संत कभी दारू दाढ़ी मढ़ी छोड़ के, जटाजूट पकड़ के, आश्रम खोल के, बाबा ड्रेस पहन के, चिता चेतन बना के नहीं रहते, वो संत कलयुग का संत है, कोट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को ऐसे ही संत लोग रहते हैं, कलयुग में अपने को छुपा के रहते हैं संत लोग। ओरिजिनल संत कभी नहीं सो करेगा कि मैं संत बाबा महात्मा लाज चीता चैतन चोट टोपी और अय आस बाबा आश्रम दक्षिणा दे बेटा दीक्षा ले बेटा, नहीं कोई मतलब नहीं दीक्षा देने का, बस तुम खुश हम खुश, स्वाधीन थे हैं रहेंगे तुम्हें भी स्वाधीन करेंगे, कोई बांध के रखेगा नहीं, आया खुश पांच मिनट बैठा खुश, जैसे किसी पीपल के वृक्ष के नीचे, तुलसी के वृक्ष के नीचे बैठते हैं, बरगज के वृक्ष के नीचे बैठते हैं, गौ माता के चरण में बैठते हैं, गुरु के चरण में बैठते हैं, हमारा कचरा धुल जाता है, साफ सुथरा हो जाते हैं, और आभा मंडल शुद्धिकरण हो जाता है, ऐसे ही धुल के बोलेंगे फिर जाओ संसार में नौटंकी करो, यही छोड़ के भागना इस धरती का नियम नहीं है, ना रोना इस धरती का नियम है। रोएंगे जरूर कब, भक्ति अश्रु में, आनंद अश्रु में, प्रभु परमेश्वर के अश्रु में, जो बीत गया उसे भूल जाओ, भूलने का कोशिश मत करो, कोशिश करोगे और याद आएगा, लेकिन उसको फिर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में मत लाओ, नया पॉजिटिव विचारों को दिमाग में डालो, नया करना है, नया आगे बढ़ना है, फिर देखना नया लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा काम करोगे अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा एनर्जी डालोगे अच्छे लोग अपने आप आ जाएंगे, बुरा एनर्जी है ना तो बुरा एनर्जी बुरा आदमी को खींच के सामने ले आता है। शुद्धिकरण करो, योग साधना शिविर, प्राकृतिक साधना शिविर, अपने पे समय दो, अपना शरीर को ठीक रखो, अपने मन को ठीक रखो, अपने चित्त को शुद्ध करो, अपने अंदर का हीलिंग करो, गोमूत्र पान, गोमाता का सेवा करके, गोमाता का परिक्रमा, शिवलिंग का परिक्रमा, बरगद जहाँ पर एक जगह हो जैसे मैं लगा के रखा हूँ वहाँ, वहाँ भी गुरुकुल में है, बरगज, पिपल गज, तुलसी गज, आंवला गज, बेलव गज, अब कदम्ब के नीचे, अखियाँ बीचे, कदम्ब का गज, समी का गज, एक जगह में या ऐसे शुभ वृक्षों को रख के वहाँ परिक्रमा करना, सेवा देना, पूजा पाठ देना, चिड़ियों को खाना देना, चिट्टियों को दाना देना, मछलियों को लट्टे का लड्डू देना, फिर तुम्हारा प्रायश्चित कर्म होगा, कर्म रूपक सारे प्रकार के द्वंद्वता मलता मर्मेट मैटर्स दूर हो जाएंगे, जीवन फिर शुद्ध पवित्र होते हुए मुक्ति का मार्ग पकड़ लेना है। फिर भगवान को मर्जी, आगे जन्म दोगे तो ड्यूटी कर लेंगे, नहीं दोगे कोई बात नहीं प्रभु। तो मुक्ति का मार्ग, भक्ति का मार्ग, परम कल्याण का मार्ग, खुद के लिए भी दूसरे के लिए भी, तो दुख है रहेंगे, था है रहेगा, आनंद के पीछे पड़ो, शांति के पीछे पड़ो, जो हो गया उसे भूल जाना ही सही है।
ओके।